होगा सिकंदर के मिसाल। यहाँ जिन लोगों से इसके बारे पूछा है उनका कहना है कि 40 वर्ष से हम इसको इसी हाल में पड़े देख रहे हैं, और उससे पहले कब से ये बड़ी है और किस ज़माने से ताल्लुक़ रखती है कुछ मालूम नहीं। कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, शायद ये लिखा है लेफ्ट हैंड ड्राइव, लग है संग लग चुका है। इसका अंदरूनी मंजर है, इसका स्टेयरिंग लेफ्ट साइड पे है, और मौजूद एक मेहनत कश ये कह रहा था कि ये किसी ईमानदार दौर में बनाई गई है जब चीज़ें पायदार बनाई जाती थी। शायद वो सच कह रहा था, पायदार थी तो किसी तरह इसने ज़माने की दस्त बर्द से बच बचा कर अपना वजूद किसी न किसी सूरत पर खराब रखा। ज़माने के सर्द और गर्म इसको शिकस्त और रेत से दो चार करते रहे, लेकिन इसने अपना वजूद खोया नहीं। और यहाँ एक वैरान गोशे में पड़ी ज़बान खामोशों से अपने माजी की दास्तां बयां कर रही है। लूट मार करने वालों के लिए ये ओपन टारगेट था, आसान शिकार था, लेकिन चोर बुचके भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। कोई पुर्जा कोई टुकड़ा उखाड़ नहीं पाए। सच कहा है इस शख्स ने कि ये किसी ईमानदार दौर में ईजाद की गई थी, इसका पायदार ढांचा है जो आज तक मिट नहीं पाया। सुना है कि लोग इसे देखने आते हैं दूर दूर से, नज़दीक से, अनगिनत सवालात करते हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं, दास्तान कोई नहीं। दास्तान बस वही है, एक ढकी छुपी दास्तान जो ये अपनी ज़बान खामोशों से सुना रही है। कोई ज़माना तो होगा जो इसके अरूज का ज़माना होगा। इसमें अफसर बैठते होंगे, ये सड़कों पर राज करती होगी, नौकर चाकर भाग कर गेट खोलते होंगे, बंगलों में ये विराजमान होती होगी, दफ्तरों में पार्क की जाती होगी। क्या कह सकते हैं आगे कब तक माजी की दास्तां सुनाती रही।
देती रहेगी।